हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस, जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं क्लास 10 साइंस का, इसमें हम लोग सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारा क्वेश्चंस बिल्कुल तैयार ही कर लेना है, ठीक है, और ये आपके 100% बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही, क्योंकि इसमें मैं आपको साइंस के वो क्वेश्चंस देने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी स्टूडेंट 27 फरवरी को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम 27 फरवरी को साइंस का पेपर है, तो ये प्रश्न आप पढ़ के जाना, क्योंकि यही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न देखो, ये आप लोग पहला प्रश्न ध्यान से देखना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लघु उत्तरीय प्रश्न में बहुत ज्यादा आया हुआ है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि ऊष्माक्षेपी जिसे दहन कहा जाता है, दहन का मतलब होता है जलना, ठीक है, जलाना, तो वही ऊष्माक्षेपी होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलता है, तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए, ठीक है, उदाहरण देकर अच्छे से समझाना है तो फिर आप लोगों को पता होगा। देखो, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है दहन, ठीक है, ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, दहन। तो इसकी देखो, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जैसे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपको उत्पाद का निर्माण होता है, जैसे आपका अभिकारक होता है, दो अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उत्पाद के निर्माण के साथ साथ किसका, आप लोगों का ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा का भी निर्माण होता है, तो उन्हें हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन। तो ऊष्माक्षेपी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ आपका ऊष्मा का भी निर्माण होता है, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगर एग्जाम्पल देखा जाए, मैं आपको एक बहुत सरल सा एग्जाम्पल बताता हूं कि आप लोगों को हमेशा याद रहे। देखो, जैसे हमारा है आपका एक मेथेन, ठीक है, मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 ना, क्योंकि इसमें 4 हाइड्रोजन होते हैं। मेथेन हमारा गैस की अवस्था में है, प्लस हमारा आपका ऑक्सीजन 2O2 जो भी गैस की अवस्था में, ठीक है, गिव्स आउट आपको मिलेगा CO2, क्या मिलेगा, CO2 प्लस 2H2O, ये सारे गैस की अवस्था में, प्लस ऊष्मा। ऊष्मा मैंने प्लस क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि ऊष्मा हमारा बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो ऊष्मा बाहर निकल रहा है इसलिए मैंने ऊष्मा को प्लस लगा दिया, और यहां हमारा पानी निकल रहा है और यहां आपका कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, प्लस ऊष्मा का मतलब होता है ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का बाहर निकलना, ठीक है, तो इसलिए हमारा यहाँ मेथेन और प्लस ऑक्सीजन जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड तथा आपका जल बनाया और प्लस ऊष्मा आपका बाहर निकल गया, ठीक है, समझ में आ गया ना ये एग्जांपल। काफी आसान है, कुछ भी नहीं है, इससे आसान मैं आपको ये भी एग्जांपल बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, देखो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब होता है जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा, जो आपका ऊर्जा अवशोषित होती है, मतलब ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, अवशोषित होने का मतलब होता है कि अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जांपल अगर पूछा जाए तो क्या लिखोगे, N2 में अगर आप N2 में प्लस O2 जोड़ दो ना, मतलब नाइट्रोजन में प्लस ऑक्सीजन जोड़ दो, तो हमारा क्या बन जाएगा, 2NO, क्या बन जाएगा, 2NO, और यहां हमारा एक और चीज है, इसमें हमारा माइनस ऊष्मा होगा, क्योंकि इसमें माइनस ऊष्मा इसलिए होगा क्योंकि इसमें हमारा ऊष्मा अवशोषित हो रहा है। अगर ऊष्मा अवशोषित हो रहा है ना, तो वो हमारा माइनस ऊष्मा का चिन्ह लगेगा, और अगर ऊष्मा बाहर निकल रहा है तो वहां हमारा ये प्लस ऊष्मा का चिन्ह लगेगा, क्या लगेगा, प्लस ऊष्मा। इतना ध्यान रखना, क्योंकि इतना जरूरी है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो हमारा ये हो गया ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड कि बेकिंग पाउडर, जो हमारा बेकिंग पाउडर होता है ना, बेकिंग पाउडर या फिर खाने का सोडा का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है, और रासायनिक गुण, भौतिक गुण, उपयोग सब कुछ बताना है, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेकिंग पाउडर का सबसे पहले रासायनिक नाम और इसका अणुसूत्र क्या होता है। तो बेकिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, सभी बच्चों को पता होगा, बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, बेकिंग पाउडर, ठीक है, का रासायनिक नाम सबसे पहले देखेंगे, क्या देखेंगे, रासायनिक नाम। तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है बच्चों, सारे बच्चों को पता है कि नहीं पता है, बेकिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, क्या होता है, सोडियम
बाय कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाय कार्बोनेट होता है, ठीक है। एंड इसका आप सूत्र बता दो तथा अणुसूत्र तो अब आपको पता ही चल ही गया होगा। अगर अणुसूत्र ना पता चला हो तो मैं आपको बताता हूं कैसे निकालोगे। देखो सोडियम का क्या होता है, सोडियम का फार्मूला क्या होता है, Na, तो Na लिख देना, ठीक है। मैं देखो Na दूसरे ऐसे लिखता हूं, Na, और बाई का मतलब होता है कि H लगाना, हाइड्रोजन, और कार्बोनेट का फार्मूला CO3, बस हो गया, सोडियम बाई कार्बोनेट का फार्मूला है, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसका सूत्र हमारा होता है NaHCO3, क्या होता है, NaHCO3। अगला देखो बनाने की विधि देख लो, बनाने की विधि, या सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में, यह जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला बता सकते हो इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सारे बच्चों को पता होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है, ठीक है। कहने का मतलब है यहां अगर आप देखो ध्यान से समझना, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो NaOH, ठीक है, ठीक है, इसमें हमें क्या प्रवाहित करना है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, तो यहां मिलेगा Na2 यानी कि दो हो गया, तो यहां आप दो लगा दो, ठीक है, Na2 NCO3 और प्लस H2O, लेकिन अभी हमें सोडियम कार्बोनेट मिला है, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, ठीक है, अभी केवल सोडियम कार्बोनेट मिला है। तो अब हम लोग एक बार और रिएक्शन कराएंगे, Na2CO3 प्लस H2O एंड प्लस हम लोग CO2 गैस प्रवाहित करेंगे, तो गिव्स आउट हमें मिलेगा कुल मिला के 2NaHCO3, ठीक है। और ये हमारा क्या है, सभी बच्चों को पता होगा सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, यही तो हमारा बन गया ना, बनाने की विधि यही है, रिएक्शन आप कराओ अगर आपको वो चीज मिल जाए, जैसे हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट मिल गया तो फिर हमारा ये रिएक्शन पूरा हो गया, ठीक है, ये दो हैंडल यानी कि दो चरणों में रिएक्शन है। भौतिक गुण समझ लो, भौतिक गुण फर्स्ट, यह एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, क्या है, यह एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, कौन, जो हमारा बेकिंग पाउडर होता है, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। सेकंड, यह जल में अल्पविलीय है, जो हमारा ये है ना, ये जल में अल्पविलीय है, जो हमारा बेकिंग पाउडर है वो जल में अल्पविलीय है। और थर्ड है, इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, देखो इसमें H है ना, हाइड्रोजन आयन, इसलिए हमारा जो इसका जलीय विलयन होगा वो अम्लीय होगा, क्या होगा, अम्लीय होगा, ठीक है। तो इसके भौतिक गुण तीनों समझ में आ गया, देखो मैं आपको बहुत मेन मेन बता रहा हूं, ऐसे ही लिख कर आना, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब आप लोग रासायनिक गुण समझ लो, रासायनिक गुण में क्या है, पहला इसको गर्म करने पर CO2 गैस निकलता है, क्या निकलता है, जब आप इसको गर्म करोगे तो CO2 गैस निकलेगा, ठीक है, जब आप इसको गर्म करोगे तो क्या निकलेगा, CO2 गैस निकलेगा, कैसे वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे आपका है, इसको आप लोग गर्म करोगे, ठीक है, तो इसको अगर आप लोग गर्म करोगे, जैसे हम लोग इसको गर्म करते हैं 2NaHCO3, अब इसको आप हीट करोगे यानी कि गर्म करोगे, ठीक है, तो गर्म करने पर डेल्टा का चिन्ह लगा दिया, तो हमें Na2NCO3 और प्लस H2O और प्लस हमें CO2 गैस आपका बाहर निकलेगा, बस यही आपका हो गया रिएक्शन, बस छोटा होता है, कुछ होता नहीं है, रिएक्शन बस हो गया। दूसरा है, यह तनु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण जल तथा CO2 गैस बनाता है, ठीक है, यह जब तनु अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण बनाएगा, जल बनाएगा तथा CO2 गैस बाहर निकलेगा, ठीक है। अब इसका हम लोग तनु अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, जैसे NaHCO3, ठीक है, और प्लस हमारा HCl हमारा एक तनु अम्ल है, ठीक है, इसका क्रिया कराया तो हमारा NaCl बना, NaCl क्या है, लवण है, तो लवण बन गया, जल आपका H2O जल बन गया, और प्लस हमारा CO2 गैस बाहर निकल जाएगा, बस हो गया रिएक्शन, बस इतना होता है, कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा आप लोगों का भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत ज्यादा आसान है, अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हमारा है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, बेकिंग पाउडर के भौतिक गुण, रासायनिक गुण एंड आप लोगों का बनाने की विधि, अणुसूत्र, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखो, यहां लिखा हुआ साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो साबुनीकरण होता है, साबुनीकरण पर आपको अच्छे से टिप्पणी लिखना है, बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ठीक है। देखो इसमें क्या है,
उच्च अणुभार वाले, जो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाता है, ठीक है, जिसका अणुभार उच्च होता है, तो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के, ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं, और ये तेलों और वसाओं के तनु एनएओएच या केओएच द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं, और इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी क्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है, ठीक है, साबुनीकरण। बस इतना सा आपको समझना है। अब देखो, इसका जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड भी है। देखो, साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया या फिर साबुनीकरण, तो रिएक्शन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं आप लोगों को समझा देता हूं ताकि आप लोगों का रिएक्शन बिल्कुल कंप्लीट रहे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वसा या ट्राइसेट्रिन, ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है CH2, ठीक है, OCO C17H35। ध्यान से समझना, अभी हमारे तीन चरणों में होगा, फिर ये कार्बन के नीचे एक बांड लगाओ, फिर CHOCO C17H35, ठीक है, फिर एक ऐसे, ठीक है, कार्बन कार्बन के नीचे लगाना, फिर CH2 जो ऊपर लिखा हुआ है सेम ऐसा ही लिख देना, OCO C17H35, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमें लेना है 3NaOH, 3NaOH, ठीक है, 3NaOH, फिर आपको गिव्स आउट मिलेगा क्या, ठीक है, गिव्स आउट हमें मिलेगा, ध्यान से समझो, यहां में मिलेगा, यहां से CH2 ले लो, CH2, और यहां से एक OH ले लो, या फिर अगर आपको ग्लिसराल का फार्मूला पता हो तो फिर आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो CH फिर एक OH, ठीक है, यहां आपके तीन OH हैं, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब आप लोगों का लास्ट में साबुन मिलेगा 3C17H35 COO COONA, यही हमारा साबुन का फार्मूला है, ठीक है। सारे का नाम नहीं पता होगा आप लोगों को, देखो ये हमारा है ट्राइस्टेरिन, ठीक है, या फिर वसा, ठीक है, ट्राइस्टेरिन, या फिर इससे आप लोग वसा लिख सकते हो। ये हमारा हाइड्रोजन, जो आप लोगों का सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यह आप लोगों का ग्लिसराल है, क्या है, ग्लिसराल, ठीक है, और ये हमारा है साबुन, ठीक है, ये ग्लिसराल लिख देना, यहां सा कर देना, ठीक है, ग्लिसराल। तो ये हमारा हो गया पूरा साबुन बनाने की विधि, जो साबुनीकरण है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, याद रखना, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही बता रहा हूं। आप समझो बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें पूछा है धमनी तथा सिरा में चार चार मुख्य अंतर लिखो। धमनी तथा सिरा में आपके बोर्ड एग्जाम में अंतर बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, रुधिर तथा लसिका में, धमनी तथा सिरा में, ये दो अंतर बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल देना धमनी, क्या हेडिंग डालोगे, धमनी, और इस साइड में सिरा, इसके लिए सहायता से अंडरलाइन करना। पहला, धमनी में है, इसमें रुधिर हृदय से अंगी की ओर बहता है, ठीक है, हृदय से अंगों की ओर, ठीक है, जो धमनी होता है इसमें रुधिर जो होता है हृदय से अंगों की ओर बहता है, याद रखना, ठीक है। सिरा में इसमें जो रुधिर होता है अंगों से हृदय की ओर बहता है, जो अंग होते हैं अंग से हृदय की ओर बहता है, ठीक है। दूसरा देखो, हृदय की धड़कनों के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है, जो हृदय की धड़कन होता है ना, हृदय में धक धक का आवाज आता है, तो हृदय में धड़कनों के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है, और इसमें रुधिर में जो आपका सिराओं में रुधिर बहाव की गति के कारण धीमी धीमी सी रहती है, ठीक है। तो जो सिरा होता है, सिराओं में जो रुधिर होता है, रुधिर के बहाव की गति धीमी धीमी एक सी होती है, एक समान होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट समझो यहां कि इनकी जो दीवारें होती हैं अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं, जो धमनी होता है इनकी जो दीवारें होती हैं वो अत्यधिक मोटी होती हैं तथा लचीली होती हैं, और जिस सिरा होता है इनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं, जो सिराएं होती हैं इनकी दीवारें क्या होती हैं, पतली होती हैं तथा कम लचीली होती हैं, ठीक है। और अगला 4 नंबर पॉइंट, ठीक है, तो धमनी जो होता है, धमनी इनका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है, ठीक है, गुलाबी होता है या फिर चटक लाल होता है, जो सिरा होता है ये गहरे लाल या नीले बैगनी रंग का होता है, ठीक है, गहरे लाल या फिर नीले बैगनी रंग का होता है, ठीक है, कौन, जो हमारा सिरा है। और पांचवा पॉइंट है, ये पराया त्वचा से दूर गहराई में स्थित होते, जो धमनी होता है वो पराया त्वचा से दूर गहराई में स्थित होता है, और जो सिरा होता है यह पराया त्वचा के समीप स्थित होता है, कहां स्थित होता है,
त्वचा के समीप जब आप देखोगे ना तो ऐसे बैगनी रंग का ऐसे हाथ में दिखेगा, ठीक है, आप लोग देख लेना। तो वो हमारा हो गया जो आप लोगों का ये पांच पांच अंतर आपका धमनी तथा सिरा में, ये पांच पांच अंतर भैया पढ़ लेना, फिर इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपका धमनी तथा सिरा में अंतर आएगा ये ऐसे लिख कर आना, बहुत आसान वे में आसान तरीके से बताया हूं कि आप लोगों को एक ही बार दो बार पढ़ो ना तो पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फाइव नंबर कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो, छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। जो परिवार नियोजन होता है उससे आप क्या समझते हो, छोटे परिवार के महत्व को समझाना, ठीक है। तो परिवार कल्याण, देखो परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया परिवार नियोजन कहलाता है, ठीक है। जब घर में ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, मतलब दो दो हो तीन हो ऐसे करके, मतलब परिवार को नियोजित रखो, ज्यादा जनसंख्या ना हो, ज्यादा बच्चे ना हो, क्योंकि अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो उनके रहन सहन के लिए भी तो जरूरी है, खर्चा भी तो चाहिए। यदि बच्चों में परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी तथा जीवन उसका अच्छा रहन सहन होगा। अगर उसमें बच्चों की संख्या सीमित होगी तो उनका रहन सहन अच्छा होगा, उनकी जो परिवार होंगे वो सुखी होंगे, ठीक है। तो ये हो गया परिवार नियोजन, छोटा सा मैं बता रहा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों के लिए इतना बहुत है। सिक्स नंबर है कि समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। जो समजात अंग होते हैं तथा समरूप अंग होते हैं, तो समजात अंग सबसे पहले समझो, उन अंगों को जो अलग अलग स्पीसीज के जीवों में अलग अलग कार्य करते हैं परंतु आधारभूत संरचना में एक समान है, समजात अंग कहलाते हैं। देखो भाई इसमें क्या कह रहा है कि उन अंगों को जो अलग अलग स्पीसीज में जीवों में अलग अलग कार्य करते हैं, मतलब अलग अलग कार्य करते हैं परंतु आधारभूत संरचना में एक समान, समजात अंग होते हैं, मतलब समान होते हैं, एक समान होते हैं, तो उन्हें समजात अंग कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, पक्षी के पंख तथा मनुष्य का हाथ, ठीक है, जो पक्षी का पंख होता है समजात अंग का बता रहा हूं, पक्षी का पंख, ठीक है, पक्षी का पंख, ठीक है, और तथा जो मनुष्य का हाथ है, इन दोनों की तुलना की गई है समजात अंग में, समजात जिनके जाति समान हो, ठीक है, लेकिन फिर भी उनके जो एक समान संरचना होता है लेकिन उनके जो कार्य होते हैं वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगला देखो भाई, अगला देख लो, समरूप अंग, ऐसे अंग जो अलग अलग जीवों में एक समान कार्य करते हैं परंतु उनका आधारभूत संरचना समान नहीं होता, समान नहीं होते लेकिन एक जैसा कार्य करते हैं, लेकिन उन्हें हम लोग समरूप अंग, समरूप का मतलब होता है समान दिखाई देना लेकिन उनका कार्य भिन्न होता है, ठीक है, सामान्य कार्य करते हैं परंतु उनका जो संरचना है वो भिन्न होता है, मतलब उनका संरचना भिन्न होगा। इसका उदाहरण आप लोग क्या लिखोगे, इसका उदाहरण अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बहुत सारे उदाहरण के लिए, तितली के पंख और कबूतर के पंख दोनों उड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है, तो और परंतु कबूतर के पंख में हड्डियां होती हैं, तितली के पंख में नहीं होती हैं। तो आप लोग लिख देना जो तितली के पंख है तथा कबूतर के पंख, ठीक है, यहां लिख दो, तितली के पंख तथा कबूतर के पंख, ठीक है, एक समान, एक जैसा ना, मतलब देखो कार्य एक समान है परंतु उनकी आधारभूत संरचना असामान्य, मतलब उनकी जो संरचना है असामान्य है, तितली के पंख में हड्डी नहीं होता, कबूतर के पंख में हड्डी होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया समजात तथा समरूप अंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो जो मैं आपको बता रहा हूं वो सारे इंपॉर्टेंट ही है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग बात करेंगे फिजिक्स का, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जाम में हर साल आने वाला टॉपिक, उसका अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम लोग किस चीज का बात करने वाले हैं, ओम का नियम, किसका, ओम का नियम अब हम लोग समझेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम, ठीक है। कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, देखो ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोगों का वर्णन परिपथ आरेख खींचकर कीजिए। मैं आपको परिपथ आरेख खींचकर समझाऊंगा, सबसे पहले ओम का नियम समझ लो। ओम के नियमानुसार जब भौतिक, जब आप लोगों का यहां थोड़ा सा, ओम के नियमानुसार जब हमारा मतलब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब समान, ठीक है, जैसे भौतिक अवस्थाएं हमारा ताप दाब होता है वो समान हो, परंतु ठीक है समान हो, तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। बहुत ज्यादा आसान है, दो लाइन का। ओम के नियम अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आदि समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है जो विभवांतर होगा वो समानुपाती होगा धारा का, किसके, धारा के, ठीक है,
यानी कि या फिर आप लिख सकते हो जो v होगा वो समानुपाती होगा i के, ठीक है। अब आप लोग समानुपाती चिन्ह हटाओगे, एक स्थिरांक जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, स्थिरांक, ठीक है, और इनटू i हो जाएगा, और वो स्थिरांक जो हमारा होता है वो v बराबर आर आई, v बराबर आर इंटू आई होता है, ठीक है, v बराबर आर इंटू आई, और यहां जो r है वो क्या है, चालक का प्रतिरोध, क्या है, चालक का प्रतिरोध। अगर हम R बराबर बात करें, R बराबर यानी कि प्रतिरोध बराबर V अपान I, R बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V अपान I, ध्यान रखना, ठीक है, R बराबर V अपान I। अगर हम लोग इसकी मात्रक की बात करें तो क्या कर सकते हो, देखो R का मात्रक हमारा अगर बात करें तो आप लोग R का मात्रक निकालना है, तो प्रतिरोध का मात्रक यानी कि R का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक अगर निकालना है तो V का विभवांतर का मात्रक, V मतलब होता है विभवांतर, विभवांतर का मात्रक बटे में I का मतलब होता है धारा का मात्रक, धारा का मात्रक, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर। तो एक आप प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर कह सकते हो, या फिर ये दोनों बराबर होता है ओम के, या फिर आप लोग ओम कह सकते हो, ठीक है, दोनों आप लोग मात्रक कह सकते हो, एक वोल्ट प्रति एम्पियर या फिर ओम, ठीक है, ये हमारा हो गया भैया प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसका सत्यापन मैं आप लोगों को समझा देता हूं, सत्यापन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कराना, क्योंकि ये 7 नंबर में आएगा तो सत्यापन आएगा। देखो ओम के नियम का सत्यापन, इस प्रयोग के लिए एक बैटरी, आमीटर, कुंजी, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध तथा वोल्टमीटर चित्र ए के अनुसार लगाते हैं। चित्र ए देखो, ये हमारा चित्र ए है, ये हमारा चित्र बी है, ठीक है। तो प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आई एमीटर से तथा प्रतिरोध में सिरों के बीच विभवांतर वी वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। यहां बैटरी लगा हुआ है, ये धारा नियंत्रक है, ये हमारा कुंजी है, ये एमीटर है, ये प्रतिरोध है, ठीक है, और अभी हमारा ये वोल्ट मीटर, नीचे मैं लिख देता हूं, ये हमारा जो वी है ये वोल्ट मीटर है, क्या है, वोल्ट मीटर, ठीक है। ये वाला चित्र भी आगे काम आएगा। यहां प्रयोग करने के लिए कुंजी के को लगाकर धारा नियंत्रक की एक स्थिति के लिए प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। इसी प्रकार धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा जो है बदलकर एमीटर तथा वोल्ट मीटर के पाठ पढ़ लेते हैं, ठीक है, और अब विभवांतर को एक्स अक्ष तथा धारा को वाई अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचते हैं। विभवांतर को ये हमारा एक्स अक्ष है और धारा को वाई अक्ष, दो अच्छे ना, एक्स अच्छ और वाई अच्छ, ठीक है, इसको लेकर एक ग्राफ खींचते हैं। यदि यह सरल रेखा आता है तो चित्र वी में चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा सरल रेखीय ओम के नियम का पालन करता है, अर्थात चालक ओम के नियम का पालन करता है। सरल रेखा, देखो ये सरल रेखा है ना, ये बीच में, तो इसलिए हमारा ये ओम का नियम का पालन करता है। बस इतना सा आपको पढ़ना है ओम के नियम में और इनका सत्यापन, ठीक है। तो ये हमारा साइंस का एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा दिए जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारा क्वेश्चन पढ़ लेना, और भी आपके लिए क्वेश्चन लाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो तैयार हो रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी करना, हम लोग ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देखेंगे। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।